जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की विशेष कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको गुरु राशि परिवर्तन और शुक्र राशि परिवर्तन के आधार पर मई महीने में जिन जातकों के सगाई के योग हैं और जून महीने में उनके शादी के योग हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में जानकारी दे देता हूं। तो केपी की वाणी पर अब आप जन्मदिन के हिसाब से अपनी शादी की अनुमानित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप केपी की वाणी की व्हाट्सएप नंबर पर अपना जन्मदिन अवश्य भेजें। अगर आपकी उम्र 28 वर्ष से अधिक है तो आप अपनी कुंडली अवश्य दिखवाएं, इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। वहीं अगर आप लव मैरिज को लेकर जानकारी पाना चाहते हैं कि आपके लव मैरिज की योग है या नहीं, तो आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें व्हाट्सएप करें। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपके लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है या किसी न किसी वजह से देरी हो रही है, कई ऐसे जातक हैं जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो चुकी, कई ऐसे जातक हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो चुकी है, तो आप अपनी कुंडली अवश्य दिखा ले और यह जानकारी ज्ञात कर ले कि क्या कुंडली में काल सर्प दोष तो नहीं लगा है, पितृ दोष तो नहीं लगा है, बुध शुक्र की युति तो नहीं है, गुरु शुक्र की युति तो नहीं है, मंगल शुक्र की युति तो नहीं है, शुक्र कमजोर तो नहीं है, गुरु बलि या कमजोर तो नहीं है। अगर यह जानकारी ज्ञात कर लेते हैं आप, तो आप उनके उपाय भी अवश्य करवाएं और करें, तो इससे फिर आपके योग बनने लगेंगे। कई ऐसे जातक हैं जिन्होंने कई तरह से और कई वर्षों से कठिन प्रयास किए हैं, उसके लिए उपाय भी किए हैं, इसके बावजूद उनके योग नहीं बनते हैं। तो ऐसे जातक को मैं सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप निवारण करवाते हैं तो उचित स्थान पर और उचित व्यक्ति से करवाएं, तो फिर आपके दोष निवारण के सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। कई ऐसे जातक हैं जो अपने आसपास के कुल पुरोहित या पंडित से पूजा निवारण करा लेते हैं। तो आपको बता दे, निवारण आप प्रकांड पंडित व ज्योतिष की देख रेख में ही कराएं तो यह ज्यादा उत्तम होगा। अगर आप भी अपनी शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा, ससुराल में लोग कैसे होंगे, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पत्नी अथवा पति कितना पढ़ा लिखा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, उसकी उम्र कितनी होगी, उसकी लंबाई कितनी होगी, यह सभी जानकारी जो है विस्तार पूर्वक आप कुंडली बनाकर अथवा दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा उद्देश्य लोगों की सेवा करना है और उस सेवा के माध्यम से मेहनताना लेना है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क करने के लिए 8521835670 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए, फोन कॉल के जरिए, संदेश के जरिए संपर्क कर सकते हैं। तो आइए अब आप वीडियो में आगे बढ़ते, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज और ध्यान में दिला दूं कि अगर आपकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, बातचीत चल रही है, तो आप अपनी कुंडली अवश्य मिलान करा लें। कुंडली मिलान में मामूली शुल्क ही लगती है, तो आप शुल्क की ओर न ध्यान देकर यह ध्यान दें कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। विवाह तो किसी न किसी संयोग से हो ही जाना है, लेकिन विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन, चूंकि यह जन्म जन्मांतर का बंधन होता है, तो विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा यह अवश्य ज्ञात कर लें। इसके लिए आप अपने आसपास के प्रकांड पंडित और ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिषों की माने
तो नारी दोष, भकुट दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी नहीं करनी चाहिए। आइए अब आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं आपको शुभ दिन, शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न राशि, शुभ तारा, सूर्य भ्रमण, शुभ नक्षत्र, शुभ करण, शुभ योग की जानकारी दे देता हूं। तो ज्योतिषों की माने सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन शादी के लिए शुभ माना जाता है। मंगलवार के दिन विवाह करना शुभ नहीं माना जाता है। तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में मंगलवार के दिन का चयन बिल्कुल ना करें। शुभ तिथियां कौन सी हैं? द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी का दिन शुभ है। शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त और गोधूली वेला। शुभ लग्न राशि कौन सी है? तो मिथुन, कन्या और तुला है। शुभ तारा कौन सा है? तो गुरु और शुक्र। दोनों तारा का उदय रहना बहुत ही जरूरी है। सूर्य किस राशि में भ्रमण करें? मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, मकर और कुंभ राशि में सूर्य का भ्रमण होना चाहिए। शुभ नक्षत्र कौन सा है? रोहिणी, मृगशिरा, मघा, उत्तर फागुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तर साढ़ा, उत्तर भाद्रपद एवं रेवती। ये सभी शुभ नक्षत्र माने जाते हैं। शुभ करण करणी, कौलव, तैतली, गारो, वनिजा एवं बाबा। शुभ योग प्रीति योग, सौभाग्य योग एवं हर्षण योग। सौभाग्य योग सबसे उत्तम माना जाता है। आइए मैं आपको पांच उन नामों के बारे में, राशि परिवर्तन के बारे में बता देता हूं। वर्तमान समय में शुक्र मीन राशि में है और 23 मई के बाद जो है ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जून 18 तक ये मेष राशि में ही रहेंगे। इसके उपरांत वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जुलाई 13 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। तो इस दौरान यानी कि 23 मई से लेकर 13 जुलाई के मध्य मेष राशि और वृषभ राशि के लिए शुभ योग है। वहीं गुरु का राशि परिवर्तन वर्तमान से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही रहने वाला है। तो इस दौरान गुरु के राशि परिवर्तन से मीन राशि के लिए तो शुभ योग है, वहीं शुक्र का गोचर मेष और वृषभ राशि के लिए शुभ योग बना रहा है। तो मेष राशि, वृषभ राशि के जातकों और मीन राशि के जातकों के जो योग हैं वो 31 मई तक हैं और अगले महीने यानी कि जून महीने में भी प्रबल है। यानी कि आपके जो सगाई शादी के योग जो हैं वो जून महीने में प्रबल है, मई से लेकर। आइए अब नाम के बारे में जान लेते हैं। तो ए अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की राशि मेष होती है कि विवाह के योग जन्मदिन के हिसाब से 22वें वर्ष से बनते हैं। विवाह प्रस्ताव PRM नाम के जातक से आने की प्रबल संभावना है और इनमें से किसी एक के साथ आप पढ़ने सूत्र में बन सकते हैं। अगला नाम अक्षर बी से शुरू होता है। तो बी अक्षर से शुरू होने वाली लड़के और लड़की की राशि वृषभ होती है कि विवाह के योग 23वें वर्ष से बनते हैं और THP इनमें से किसी एक जातक के साथ पढ़ने सूत्र में बंध सकते हैं। अगला नाम अक्षर डी से शुरू होता है। तो डी अक्षर से शुरू होने वाली लड़के और लड़की की राशि मीन होती है कि विवाह के योग 30वें वर्ष से बनते हैं। इनके आराध्य देव श्री विष्णु जी हैं और राशि स्वामी गुरु हैं। तो SGV नाम के जातक के में से किसी एक जातक के साथ पढ़ने सूत्र में बंध सकते हैं। अगला नाम अक्षर ई से शुरू होता है। ई अक्षर के जातकों की अभी राशि मेषी होती है। इनके योग जो है वो 22वें वर्ष से ही बनते हैं। वह प्रस्ताव KAT नाम के जातक से आने की प्रबल संभावना है और इनमें से किसी एक जातक के साथ पढ़ने सूत्र में बंध सकते हैं। अगला नाम अक्षर एल से शुरू होता है। तो एल अक्षर के जातकों की राशि भी मेषी होती है और इनके भी योग जन्मदिन के अनुसार से 22वें वर्ष से ही बनते हैं। प्रस्ताव HCV इनमें से किसी एक जातक के साथ आप पढ़ने सूत्र में पंच सकते हैं। अगला और अंतिम नाम अक्षर U और V, या चूंकि दोनों की राशि एक ही होती है U और V की, तो इनके भी योग बन रहे हैं। वह प्रस्ताव GCTIPRA इन नामों में से किसी एक जातक से आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप पढ़ने सूत्र में बंध सकते हैं। तो यह तो जानकारी आपको मैंने उन नामों की दी है जिनके योग मई महीने में है और जून महीने में। दोस्तों इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं
और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नए कार्यक्रम के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहेगुरु।